गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक नकोदर। टुडे वी विल डिस्कस आवर सब्जेक्ट सर्वेइंग टू। बेसिकली जो हम आज शुरू करेंगे वो है हमारा नया चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द यूज़ ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स। बेसिकली ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है, सर्वेइंग टू का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले फ्यूचर में, जैसे कि आपको जो भी आप यूज़ करेंगे अगर आप सर्वेइंग लाइन में जाते हो, ठीक है, तो ये जो हम पढ़ेंगे इसमें सब जो इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द यूज़ ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स। बेसिकली ये ईडीएम की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि ईडीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, ठीक है, और मेयरिंग, ठीक है, इसको बोल सकते हो। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। अ टोटल स्टेशन इंटीग्रेट द फंक्शन ऑफ थर्डोलाइट फॉर सम मेयरिंग एंगल्स एंड ईडीएम फॉर मेयरिंग डिस्टेंस डिजिटल डाटा एंड अ डाटा रिकॉर्डर। बेसिकली ये टोटल स्टेशन की बात कर रहे हैं एक हिसाब से, ठीक है, और कई ऐसे इक्विपमेंट हैं जो टोटल स्टेशन जैसे हैं, ठीक है। जैसे जो टोटल स्टेशन है वो हमारा वो ईडीएम पर वर्क करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था वो एंगल भी मेयर कर सकता है, ठीक है, डिस्टेंस भी मेयर कर सकता है विदाउट एनी टेप, ठीक है। उसमें क्या है, आपको बस प्रिज्म चाहिए, ठीक है, आप जितना डिस्टेंस पर आप हो वो मेयर कर सकता है। बेसिकली वो डिपेंड करता है कौन सा प्रिज्म है, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि बेसिकली ये एंगल, ठीक है, इससे फंक्शन क्या है, एक थर्डोलाइट का भी पार्ट है ये, ठीक है, थर्डोलाइट की तरह काम कर सकता है, एंगल भी मेयर कर सकता है और डिस्टेंस भी मेयर कर सकता है और डिजिटल भी है, जिससे हम इसका डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने एक डिस्टेंस मेयर किया तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है, कि हमने ए से बी तक इतना डिस्टेंस मेयरमेंट लिया है, ठीक है। द मोस्ट टोटल स्टेशन यूज अ पर्पस बिल्ट ग्लास प्रिज्म एज अ रिफ्लेक्टर फॉर द ईडीएम सिग्नल। बेसिकली मैंने आपको बताया जैसे आपने ए से बी तक डिस्टेंस मेयर करना है और ए पर ए स्टेशन पर आपका टोटल स्टेशन सेट होगा और बी पर आपका प्रिज्म होगा, ठीक है। और जैसे ही आप चाहे 100 मीटर हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, ठीक है, डिपेंड करता है प्रिज्म किस क्वालिटी का है, ठीक है, तो वो ईजिली जस्ट रिफ्लेक्ट करेगा इंफ्रारेड रे से और आपको डिस्टेंस कुछ ही सेकंड्स में दे देगा, ठीक है। आपको कोई टेप का यूज़ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे आप लेवलिंग सेंटरिंग करते हो, इसमें जैसे आपको सेंटरिंग करनी है, ठीक है, इसमें एक बटन होता है जिससे, ठीक है, रेज गिरती है नीचे की तरफ ग्राउंड सरफेस पर और वो आपको बता देगी ये आपका सेंटर है, आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। एंड कैन मेयर डिस्टेंस आउट अ फ्यू किलोमीटर। जैसे मैंने आपको बताया ये किलोमीटर से में भी डिस्टेंस मेयर कर सकता है डिपेंड अपॉन द प्रिज्म, ठीक है, कौन सी क्वालिटी है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। बट सम इंस्ट्रूमेंट आर रिफ्लेक्टर्स एंड कैन मेयर डिस्टेंस टू एनी ऑब्जेक्ट दैट इज रीजनली लाइट इन कलर। बेसिकली कई बार क्या होता है, जैसे हम बहुत ज़्यादा दूरी पर, ठीक है, मेयरमेंट लेने गए, ठीक है, और जो हमारा डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में है, तो कई बार क्या होता है टेम्परेचर, लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से वो डिस्टेंस खुद ब खुद अपने आप एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसका कुछ पार्ट, ठीक है, वो मेयरमेंट में आ जाता है, ठीक है, और जो हमारी मेयरमेंट में वो एक्यूरेट नहीं होती, उसमें तो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है अगर तो छोटी मेयरमेंट है वो ईजिली हो जाएगी, ठीक है, अगर तो बहुत बड़ी है तो हमें ये इन्वायरमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मेयरमेंट लेनी पड़ती है। अ टिपिकल टोटल स्टेशन ईडीएम कैन मेयर डिस्टेंस एक्यूरेट टू अबाउट 3 मिलीमीटर और 1/100 ऑफ द फिट। ये इसकी इतनी एक्यूरेसी होती है कि ये 3 मिलीमीटर और 1/100 ऑफ फिट तक मेयरमेंट ले सकता है, ठीक है, ये इतना एक्यूरेट होता है। द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट EDM and EDMIS has had a profound effect on the surveying profession. Line measurement in any
प्रैक्टिकल रेंज कैन बी मेड स्पीडली एंड एक्यूरेटली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली अगर आपको लीनियर मेजरमेंट लेनी है तो इतना ये फास्ट है कि आपको जस्ट प्रिज्म रखना है अपने, ठीक है, जहाँ पर आपने डिस्टेंस मेजरमेंट लेनी है तो आप इजीली मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, वेट, इसमें क्या होता है कि जैसे आपको अपने थर्डोलाइट से काम करना शुरू किया तो आपको क्या होगा, आपने बी पर साइड किया, बी पॉइंट पर अपने रेंजिंग रोड की साइड किया, ठीक है, बाद में टेप के साथ डिस्टेंस मेजरमेंट किया, आपने नोट डाउन किया कॉपी पर, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या है कि आपको बस रिफ्लेक्टर चाहिए, ठीक है, और एक टोटल स्टेशन चाहिए, बस आपको साइड करना है, आपका डिस्टेंस आप खुद ब खुद उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नो लॉन्गर स्पॉट नॉर रिकमेंडेड टू यू द यूज़ ऑफ EDMS दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टोटल स्टेशन। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिकल फील्ड ई एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एम। बेसिकली ये इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से काम करता है जैसे, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेट्यूड, ठीक है, ये हो गया हमारा सी, हो गया हमारा लाइट, जो हम लाइट की स्पीड से डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन डिस्टिंग्विश बाय वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द वेव साइकिल विच इज बेसिकली जो एक पॉइंट से लेकर, जैसे ये अप एंड डाउन चल रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी बात करें, ठीक है, वेवलेंथ की, ठीक है, जो अपर जाएगी, ये जो अपर पार्ट है, ठीक है, वेट, जैसे ये चीज़ें होगी, ठीक है, ये हो गया अपना क्रस्ट, ये हो गया तरफ, ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव वेव क्रस्ट फ्रीक्वेंटली इज द नंबर ऑफ वेव दैट द पास अ पॉइंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हम डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, उसको एक वेव लेंथ होती है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सी हो गया मेरा स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट वी हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे हम ये पता कर सकते हैं, हम इतनी फ्रिक्वेंसी से जो हमारी लाइट, जो हमारी रेज है वो जा रही है, ठीक है, और उससे हम स्पीड ऑफ लाइट पता कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है इंफ्रारेड लाइट। बेसिकली इंफ्रारेड लाइट ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो हम आजकल यूज़ में आती हैं, ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल्स में होगी, टोटल स्टेशन में होगी और अदर थिंग। ठीक है, इंफ्रारेड लाइट लाइज बिटवीन द विजिबल एंड माइक्रोवेव पोर्शन इज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेसिकली ये एक, ठीक है, एक प्रोसेस होता है, जैसे इंफ्रालाइट लाइज बिटवीन विजिबल, ठीक है, जैसे ये चीज़ होती है माइक्रोवेव्स में, ठीक है, ये आप नेक डाइस नहीं देख सकते, ठीक है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, इसको देखने के लिए ग्लासेस, स्पेशल ग्लासेस होते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जो माइक्रोवेव्स में यूज़ होता है। ठीक है, इंफ्रारेड लाइट हैज़ अ रेंज ऑफ वेवलेंथ जस्ट लाइक विजिबल लाइट दैट रेंज फॉर रेड लाइट टू वायलेट। ठीक है, जैसे हमारे 7 कलर होते हैं रेनबो में, ठीक है, वैसे ही ये उनका यूज़ करता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या बोला, इंफ्रारेड लाइट रेड टू वायलेट, इंफ्रारेड लाइट हैज़ अ रेंज वेवलेंथ जस्ट लाइक विजिबल लाइट, जो इसमें होती हैं वो रेड टू वायलेट होती हैं विजिबल। नियर इंफ्रारेड लाइट इज क्लोजेस्ट वेवलेंथ टू विजिबल लाइट, फॉर इंफ्रारेड इज क्लोजर टू द माइक्रोवेव रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द लॉन्गर फार इंफ्रारेड वेवलेंथ आर अबाउट द साइज ऑफ पिन हेड एंड द शॉर्टर नियर इंफ्रारेड वन आर द साइज ऑफ सेल्स और आर माइक्रोस्कोपिक। बेसिकली ये फार डिस्टेंस को मेजरमेंट भी कर सकता है, ठीक है, जो हमारी इंफ्रारेड लाइट होगी, मीडियम हो गया और जो हमारा माइक्रोस्कोपिक भी हो गया। बेसिकली जब हम अपनी, जैसे हमने एक ग्रह से दूसरे ग्रह का, ठीक है, डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें हम रेडियो एक्टिव यूज़ करते हैं, जो हमारी
वेव होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, जैसे इंफ्रारेड वेव होगी, ठीक है, अपना रेडियो वेव होगी, और भी कोई वेव होती हैं जो आप, ठीक है, अपनी हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे अगर आप जाते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक था जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, ठीक है, टोटल स्टेशन का। बाकी का हिस्सा हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।